हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड एंड पोटेंशियल एक्सीडेंट्स। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले एक चीज़ और पढ़ाई थी, ब्रेकिंग द जॉब बताया था, सक्सेसिव स्टेप्स में ब्रेक जॉब ब्रेक कैसे करेंगे बताया था, क्रिएटिव चेकलिस्ट बताई थी, जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी बताया था। अब मैं आज जो आपको बताऊंगी वो क्या है, सिलेक्टिंग द जॉब। पहले हम जॉब सिलेक्ट करेंगे, फिर उनके सक्सेसिव स्टेप्स बनाएंगे, फिर हज़ार्ड आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, फिर उनमें कितना पोटेंशियल है उनके बारे में बात करेंगे। तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए क्या होता है आइडेंटिफाई हैज़ार्ड्स में, क्या होता है, सबसे पहले हमने सेलेक्ट करी जॉब कि हमको इस चीज़ पे काम करना है, ये काम करना है, हमारे ये सारे काम रहेंगे। ठीक है, हमें पता चल गया, चलो अब हमें ये काम करने हैं। अब काम तो पता चल गया पर उनके होने वाले एक्सीडेंट्स के लिए कौन वर्क करेगा, तो वो भी चीज़ हम जो सेफ्टी इंजीनियर हैं, वो सॉफ्टवेयर ऑफिसर जो भी हैं, वो चेक करेंगे कि इसमें होने वाले एक्सीडेंट्स कितने हैं, और जो भी एक्सीडेंट्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स थोड़ा सा कम हो जाए, उनका लेवल कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, उनको एनालिसिस किया उस पर, और हमने जाना कि इस तरीके से इतने एक्सीडेंट्स हैं तो हम इस तरीके से इसे कम कर सकते हैं। जब हमने ये देखा तो उसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि जो भी हमने आइडिया नए नए सोचे हैं वो आइडियाज़ अब हम इम्प्लीमेंट करें और इसको अपने वर्क प्लेस पर लाएँ जिससे कि होने वाले एक्सीडेंट से हम बच सकें। ठीक है, तो हमने सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई हैज़ार्ड करना है। अब हम हैज़ार्ड क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि हमें पता लग सके कि होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं वो कैसे कैसे पोटेंशियल लेके बैठे हैं और कैसे हम उसके लिए सेफ्टी प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हमने सेफ्टी प्रिवेंशन देना शुरू करा तब हमको पता लगेगा कि इस तरीके का इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी से लेके को सॉल्यूशन निकाले, है ना। हाइट हैज़ार्ड है, हाइट पे चढ़ने से हैज़ार्ड है, ये हैज़ार्ड है, वो हैज़ार्ड है, तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम वर्क प्लेस पे वर्क करना शुरू करेंगे। तो आइडेंटिफाई हैज़ार्ड हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इस सबसे हमें ये भी पता चल गया कि उस हैज़ार्ड में, उस काम में कितना एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमें एलिमिनेटिंग वे ढूंढने हैं हैज़ार्ड्स के, कि हमें हैज़ार्ड को एलिमिनेट करना है और हमें सेफ्टी वहाँ प्रिवेंट करनी है। तो हम एलिमिनेट कैसे करेंगे हैज़ार्ड को, हम ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे हैज़ार्ड को कि हमें पहले पता चल गया कि इस तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो हम उसमें कुछ पॉइंट्स ढूंढेंगे हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हाइट पर काम करना है, हमें ज़्यादा ऊँचाई है, तो हमने क्या करा, उसके प्लेटफॉर्म पर गार्ड रेल्स लगा देंगे और उसको सेफ्टी हार्नेस ना देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इसी तरीके से हम एलिमिनेट करने के, उसको हैज़ार्ड को एलिमिनेट करने के कुछ पॉइंट्स ढूंढेंगे। ठीक है, जब वो पॉइंट्स हमें पूरी तरीके से मिल जाएंगे उनको हम इम्प्लीमेंटेशन पे रखेंगे, जब वो वर्क करना शुरू कर देंगे तब ये हमारा फाइनल डिसीजन बनेगा। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक है ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का है। ठीक है, पहले इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ये जो टॉपिक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि हमने क्या करा, सिलेक्ट जॉब करी, क्योंकि हमें क्या करना था, आइडेंटिफाई हैज़ार्ड करना था, फिर उसके बाद हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की। ठीक है, हमने मेथड बनाया अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, फिर उसको रिड्यूस मतलब कम करने का, रिड्यूसिंग द नेसेसरी हमने देखी, कितनी कैसे ये एक्सीडेंट बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, इसे हम कम कैसे करें, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमको पता लगा कि नहीं इस वे में हम कम कर सकते हैं इस एक्सीडेंट को, तो हमने क्या करा, हमने अपनी SOP बनाई, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेबिलिटी प्रोसेस जो रहता है, प्रोसीजर वो बनाया हमने, वो बनाया। उसके बाद हमको पता लगा कि ऐसे ऐसे काम करने से एक्सीडेंट्स के जो लेवल है वो लो हो सकता है और हम एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं। तो वो हमको कैसे पता चला, जब हमने एनालाइज किया, जब हमने सेलेक्ट जॉब की, हमें इस पर्टिकुलर जॉब से हमें एलिमिनेट करना है एक्सीडेंट, तब ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से हैज़ार्ड जो है आइडेंटिफाई करना है हर एक वर्क प्लेस से, हर जगह से, जिससे कि हमारे आने वाले जो नेक्स्ट एक्सीडेंट्स हैं वो हम रोक सकें। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में बहुत सारे होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में बात करी जाती है, तो इस तरीके से हम किसी भी अगर सिलेक्ट जॉब एनालिसिस करना चाहते हैं कि जॉब फ्री एक्सीडेंट फ्री है या नहीं, तो हम पहले सिलेक्ट जॉब करेंगे, उस पर्टिकुलर जॉब पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि हमें ये पता चल जाएगा कितने परसेंट रिस्क है इस काम में और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कम कर पाएंगे, पहले ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उसे ऑब्जर्व करना होगा। एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे तो हम उसके SOP भी बना पाएंगे, SOP बना पाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि काम इतना इतना है, इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो हम उसको
एक लेवल में ले पाएंगे, मतलब कम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्री में वर्क चल रहा है वो यही बेसिस पे चल रहा है कि हमें कम से कम ऐसे लेवल्स ऐसे एक्सीडेंट्स होने से रोकना है ना। तो यही था आज ये जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है। इसमें हमने क्या सीखा, आइडेंटिफाई द हैजार्ड, हम कैसे हैजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हैजार्ड आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर बड़ा ये होता है कि हम उसे एलिमिनेट कैसे करें। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए यही है, आपको नए नए उसमें स्ट्रेटजीज लगानी होंगी। जिस तरीके का एक्सीडेंट है उस तरीके का आपको ऐसी चीज़ें फॉलो करनी होंगी कि जिससे कि ऐसे एक्सीडेंट दोबारा ना हो सके। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का टॉपिक मैंने आपको बताया। सो थैंक यू।